दोस्तों, मैं हर साल ये वीडियो बनाता हूँ जो अभी बना रहा हूँ, क्योंकि ये आपको कैट के लिए फुल वन ईयर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताता है। तो मेरे चैनल में क्या होता है कि हर साल न्यू व्यूअर्स आते हैं, तो अगर आप अभी आए हो और आप वापस नया कैट का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो है। ठीक है, मैं कुछ बातें अपने हर एस्पिरेंट्स को बताता हूँ, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपने कैट का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है इवन फॉर नेक्स्ट ईयर, तो मैं आपको कुछ चीज़ें जो एकदम आपके लिए अच्छा है वो मैं बता देता हूँ। नंबर वन इज़ टेक अ मॉक टेस्ट राइट बिफोर योर कैट प्रिपरेशन। आई नो इट इज़ टफ, आई नो इट इज़ अनकम्फर्टेबल, बट जस्ट सिट फॉर अ मॉक। मतलब कि टाइम पे ना भी बैठो तो एक बार एक मॉक पे आप बैठ जाओ। फ्री मॉक टेस्ट बहुत सारे अवेलेबल हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे पोर्टल्स हैं, या फिर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया हो तो उनका भी कोई मॉक होगा जो आप दे सकते हो। एक मॉक टेस्ट में बैठ जाओ, उससे क्या होगा आपको पता पड़ेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप बोलोगे कि मुझे तो अभी सिलेबस ही नहीं पता, मुझे तो अभी प्रिपरेशन ही स्टार्ट नहीं किया हो, तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, तो क्यों डाउन होगा, किसी को बताना थोड़ी है। यू विल गेट टू नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम इन कैट एग्जाम, यू विल गेट टू नो हाउ मच टाइम इज देयर फॉर हाउ मेनी क्वेश्चंस, एंड आई एम टेलिंग यू, यू ओनली नीड टू स्कोर 30-35% मार्क्स इवन टू गेट अ गुड 95-90%। ठीक है, तो इससे क्या आपको हो रहा है कि आपको पता पड़ेगा थोड़ा बहुत कि यार अब मैं जो प्रिपरेशन करूँगा वो मुझे कैसा करना है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है मेरे जो नॉन इंजीनियर फ्रेंड्स थे, कई सारे कैट हर कोई लिखता है, मैं जब कैलकाटा में था तो मेरे जेवियर्स के फ्रेंड्स, भवानीपुर के फ्रेंड्स, यू विल सी नॉट अ लॉट ऑफ नॉन इंजीनियर्स मेक इट टू टॉप बी स्कूल्स। मैं ये सत्य बात आज बताता हूँ, नॉट अ लॉट ऑफ नॉन इंजीनियर्स इन दैट टाइम यूज टू मेक इट टू टॉप बी स्कूल्स। हिसाब से तो बीबीए बीकॉम वालों को ज़्यादा अच्छे कॉलेज से एमबीए करना चाहिए, बट द मोमेंट यू गो टू मोर टॉप बी स्कूल्स यू विल सी इंजीनियर्स अच्छा करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको एग्जाम देना आता है। एग्जाम देना क्यों आता है? क्योंकि जो कॉमर्स वाले होते हैं वो जनरली 12th का एग्ज़ाम देते हैं। CUET तो अभी आ गया, पर पहले से CBSE एग्ज़ाम्स देते थे और CA का एग्ज़ाम देते थे, उसमें भी लिखना पड़ता था। कैट क्या है? ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है जिसमें सिलेबस ज़्यादा टफ नहीं है, बट कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है। तो ये एग्ज़ाम कैसा होता है वो आपको एक फील करा दिया जाएगा, समझ लो आप। बस वो फील देने के लिए एक मॉक दे दो, बस वो फील लेने के लिए एक मॉक दे दो, बिकॉज देन यू विल प्रिपेयर द वे इट हैज़ टू बी प्रिपेयर। जो लोग कैट का मॉक कभी नहीं लिखते ना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कैट का मॉक लिखा ही नहीं है कभी भी, एग्जाम में जाके बैठ गए, वो क्या करते हैं पेन पेपर ले लेते हैं, अपने कोचिंग का किताब ले लेते हैं और एक क्वांट का क्वेश्चन लगा के आधा घंटा लगाते हैं। अरे आप एक क्वेश्चन क्वांट का 20 मिनट में बना भी लो तो उससे कुछ नहीं सॉल्व होगा। एक कैट का क्वांट का क्वेश्चन 20 मिनट में 9th क्लास वाला भी बना सकता है, लेकिन उससे कैट नहीं निकलेगा। इसीलिए एक मॉक देना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कैट इज़ नॉट लाइक अदर एग्जाम्स, कि आपको यू नो टफ क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करके ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। अगर आप 30% मार्क्स भी ला रहे हो तो भी आपका 95% से ज़्यादा आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन, चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन कैट्स डिफिकल्टी लेवल, बट स्टार्टिंग में आप एम करो कि 30% से ज़्यादा आपको ओवरऑल मार्क्स लाना है। ठीक है दोस्तों, अभी कैट के एग्जाम में ये देखा जा रहा है कि हर साल द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज इंक्रीजिंग, विच मीन्स देयर इज अ हायर कॉम्पिटिशन। हायर कॉम्पिटिशन मीन्स आपको अपना प्रिपरेशन लेवल भी अच्छा करना होगा। ठीक है, तो अगर आप कोई कोचिंग को कंसिडर करना चाहते हो तो आप आई क्वांटा का कोचिंग कंसिडर कर सकते हो। आई क्वांटा के 2023 के पैच में थे मोर देन 299% 399.99% एंड 350 से ज्यादा स्टूडेंट्स वेंट टू यू नो टॉप कॉलेजेस लाइक आई एम ब्लैकी एंड ऑल अदर टॉप बी स्कूल्स। अब जैसा बात कर रहे थे हम टफ पेपर्स को टैकल करने का, कॉम्पिटिशन पे सस्टेन करने का, तो आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए आई क्वांटा ने 3 स्पेशल प्रोडक्ट्स बनाए जो लोग वीक है पर्टिकुलर सेक्शन से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नॉन इंजीनियर हो या फिर आप QA में वीक हो तो आपके लिए QA कंसेप्चुअल वीडियोज है। सिमिलरली अगर आप VRC में वीक हो तो वहाँ के कंसेप्चुअल वीडियोज है और LRDI के भी कंसेप्चुअल वीडियोज है विद सेम लेवल कैट। आई क्वांटा फॉलोज द 7-step मेथड टू कंप्लीट अ टॉपिक टू इंश्योर कि आप हर टॉपिक अच्छे से कवर करो। तो आप कंसेप्चुअल वीडियो शुरू में तो देखोगे, फिर आपके पास मेंटर ड्रिवन लाइव एंड एप्लीकेशन क्लासेस है, फिर टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स, डेली प्रैक्टिस सेशंस, 50 कैट लेवल क्वेश्चंस फ्रॉम द IMAVC मॉड्यूल और आई क्वांटा कैट बुक्स एंड लास्टली द लाइव मैराथन्स। कैट 2025 कोर्स के साथ आपको आई क्वांटा का लास्ट 3 मंथ क्रैश कोर्स एंड AI बेस्ड iCAT mocks भी फ्री में मिलेंगे। सो इफ यू विलिंग टू ज्वाइन, चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड डू ज्वाइन द WhatsApp ग्रुप फॉर फ्री प्रिपरेशन एंड अपडेट्स। अब आपको क्या क्या चीज़ जरूर करना है, अभी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, ऑनलाइन कोचिंग है, ऑफलाइन कोचिंग है, ठीक है, मॉक्स हैं, किताबें हैं, यूट्यूब हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको करना है। नंबर 1, कोई अच्छा मॉक टेस्ट आपको ज्वाइन करना है, मॉक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करोगे तो कोई ऐसा ज्वाइन करो जिसमें बहुत ज़्यादा लोग वो मॉक टेस्ट रजिस्टर करते हो। तो बहुत ज़्यादा मतलब इंडिया लेवल पे ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल CL, टाइम, IMS, इन तीनों में किसी का भी आप मॉक आपको ज्वाइन करना है। आपकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी भी हो, मैं बोलूँगा अगर आपको कोई एक चीज़
लेना है कैट प्रिपरेशन के लिए तो मॉक्स, मॉक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी आप भली प्रिपरेशन खुद से कर लो, यूट्यूब से कर लो, पर मॉक्स नहीं लोगे तो होगा नहीं। वही सेम, एक मॉक लेना है फिर मॉक टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना है, ठीक है। किताबें कौन कौन से ले सकते हो? अरुण शर्मा की किताब सबसे ज़्यादा फेमस है फॉर कैट प्रिपरेशन, उनका सब में किताब आता है। VRC, क्वांट, LRDI, आप LRDI, VRC तो ले सकते हो। क्वांट के लिए कुछ और भी किताब है, निशित सिन्हा और सर्वेश शर्मा, दोनों ही किताब मुझे अरुण शर्मा से थोड़ा बेटर लगता है। आपको जो सही लगे आप ले सकते हो। तीसरा, कुछ लोग जिन लोगों का VRC वीक है वो वर्ड्स याद करते हैं। बहुत सारे कोचिंग जरूरत आपको कार्ड्स देते हैं जिसमें वर्ड्स लिखे रहते हैं, बोलते हैं मैं रोज 20 वर्ड याद करूंगा। आपको लगे यार एक साल बाद कैट है, रोज 20 वर्ड का मीनिंग याद करूंगा तो मेरा वो कैब अच्छा हो जाएगा? नहीं, उससे नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, डू दैट ओके आई डोंट, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट इफ यू चूज समथिंग बेटर, रीड न्यूज़पेपर्स ऑन टॉपिक्स विच मेक यू अनकंफर्टेबल, ठीक है। अगर मुझे क्रिकेट पसंद है ना, मैं पढ़ लूंगा न्यूज़पेपर, तब मैं कंटेंट पढ़ने में ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ रादर देन इंग्लिश पढ़ने में। अगर आप कोई नया टॉपिक पढ़ते हो जो कंफर्टेबल नहीं हो, आप फिलोसफी के बारे में पढ़ते हो, अगर आप उतना कंफर्टेबल नहीं हो, हिस्ट्री, सोशलिज्म, इनके बारे में पढ़ते हो, भले आप नॉवेल्स पढ़ो या न्यूज़पेपर्स पढ़ो, अभी तो आप लोगों को हिंदी के न्यूज़पेपर पढ़ो, एडिटोरियल्स पढ़ो, इससे दो फायदे होंगे। जब आपका GD होगा अगर, या फिर राइटिंग एबिलिटी टेस्ट होता है, तो अगर आप साल भर पेपर पढ़ोगे तो न्यूज़ भी आपको पता होगा तो वो भी निकल जाएगा आपका। सेकेंडली, आपका इंग्लिश रीडिंग डेवलप होगा। आप देखोगे जिस तरह हम लोग जिम जाते हैं, शुरू में मैं मान लीजिए 10 पुशअप मारता था, आज 30 मारता हूँ पर सेट, तो आप ज़्यादा जल्दी पढ़ना सीख जाओगे। भले आपका वर्ड इंक्रीज ना हो, वर्ड पावर, लेकिन आप जो जल्दी पढ़ना सीख जाओगे उससे आपका VRC में ऑटोमेटिकली अच्छा मार्क्स आएगा कैट के एग्जाम में। एक साल है, काफ़ी टाइम है, प्लीज़ रीड हिंदू और एनी अदर न्यूज़पेपर। ऑनलाइन पढ़ना ऑनलाइन पढ़ो, 1-1.5 घंटा रोज पढ़ना है आपको। व्हाट मेक्स यू अनकंफर्टेबल, नॉट समथिंग दैट इंटरेस्ट यू। विराट कोहली बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ का मत पढ़ो, वो पढ़ो तो उसका एक्स्ट्रा 1.5 घंटा और पढ़ना है, ठीक है। अब कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो फ्री में अच्छा पढ़ाते हैं, जैसे रोधा का यूट्यूब चैनल काफ़ी बढ़िया है क्वांट के लिए, आप देख सकते हो अगर आपको फ्री में रिसोर्सेज चाहिए। अब बहुत लोग बोलते हैं कि एक तरीका हमें पता होगी कॉम्प्लेक्स आर्टिकल्स को कैसे पढ़ना है, एनालाइज करना है, तो अगर आपको फ्री में रिसोर्स चाहिए तो एक बोधि प्रेप का यूट्यूब चैनल है जिसका एक प्लेलिस्ट है, उसमें अच्छे से बताया गया है कि कैसे आर्टिकल्स को, कॉम्प्लेक्स आर्टिकल्स को डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। ये मुझे एक एस्पिरेंट ने बताया था, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली LRDI के लिए एलिज ग्रीट का जो यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट है LRDI का, वो काफ़ी बढ़िया है, फ्री रिसोर्सेज आपको बता रहा हूँ, ये भी आप फॉलो कर सकते हो LRDI के लिए। अब बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो इसमें तो आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करने होंगे। तीन बड़े बड़े आपके एक तरह से टॉपिक्स है, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा और अर्थमेटिक, दो आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना होगा। दो के आपको लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी 1, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी 2, मतलब जब आप कोई भी किताब लोगे उसमें तीन लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी में जनरली क्लासिफिकेशन होगा। नहीं भी तो मैं बता देता हूँ, ईजी, मॉडरेट, ये आपको दो टॉपिक्स के कवर करने हैं। अभी आपके पास एक साल है, आप चाहे 2 महीना लो, 3 महीना लो, आप ज्योमेट्री, अर्थमेटिक, एल्जेब्रा में कोई भी दो टॉपिक जो है वो आप स्ट्रॉन्ग कर लो। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी 1 और लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी 2 के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो। कोई जो एक टॉपिक है उसको आप थोड़ा सा वीक कर सकते हो, पर अगर आप 99% एम कर रहे हो तब नहीं, 90-95 करो तब, ठीक है। मैं बोलूँगा उसको भी आप थोड़ा बहुत लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी 1 तो कर ही लो अच्छे से, ठीक है। अभी आप कर सकते हो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग, टाइम वाइम छोड़ दो, अभी आप करो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग और लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 को, मतलब एकदम ज़्यादा टाइम लेके भी नहीं, पर सॉल्व करो कि सही तरीका लगा के कम स्टेप्स में कैसे सॉल्व कर पा रहा हूँ, ठीक है। अभी टाइम है काफ़ी, आप जनवरी, फरवरी, मार्च तक, एक दो मौका अभी देने के बाद, मार्च तक आप LRDI के सेट्स जितना जल्दी ज़्यादा हो सके सॉल्व करो, ठीक है। मैंने आपको बताया कैसे यूट्यूब चैनल से उसमें दिखाया जाएगा, कोचिंग ले रहे हो उसमें बताया जाएगा। अपना एक नोटबुक बनाओ, उसमें लिखो कि भैया मेरे को अब क्या कंफर्टेबल है। जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कैट के लिए। सेल्फ अवेयरनेस क्या है? अगर आप क्रिकेट देखते हो तो मैं आपको बताता हूँ क्रिकेट के एग्जांपल से। जब कोई प्लेयर होता है ना, उसको पता होता है कि यार मेरा क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। विराट कोहली को पता है कि वो कौन से बॉल पे कवर ड्राइव मार सकता है, उसको पता है वो स्वीप नहीं मारता है, ठीक है। वो बिना स्वीप मारे, आजकल स्वीप आने लग गया है, पर जनरली वो स्वीप बहुत कम मारता है। विराट कोहली बिना स्वीप मारे अपने ट्रेडिशनल कवर ड्राइव वगैरह शॉट्स को लेके, ठीक है, वो इतने रन मार दिया, क्योंकि वो सेल्फ अवेयर है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या स्वीप है जो आप नहीं मारोगे, ठीक है, और क्या स्ट्रॉन्ग एरिया जो आपको मार के अच्छा नंबर लाना है। ये आपको मार्च अप्रैल तक पता हो जाना चाहिए, अभी काफ़ी टाइम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक नोटबुक बनाओ। पर मार्च अप्रैल तक मुझे पता होना चाहिए कि मेरा QA, VA, RC, LRDI में क्या स्ट्रॉन्ग सेट है, मतलब टॉपिक है, इन तीनों में से इनमें मेरा क्या स्ट्रॉन्ग है, क्या मेरा ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग है, अल्जेब्रा स्ट्रॉन्ग है, क्या मेरा LRDI में कौन सा सेट से जो ज़्यादा मैं सही करता हूँ, VARC में मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि VA ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये आपको पता हो जाए
मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि सही बनाओ, ये आपको पता हो जाए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप मॉक्स को अटेम्प्ट करना सही करोगे। और मॉक्स आपको, ये जो मैं दूसरा चीज़ का बता रहा हूँ, मॉक्स आपको जून से चालू कर देना है, मई जून से, ठीक है, ताकि आप नवंबर तक फिर मॉक्स अच्छे से एनालाइज करो। ये बहुत टाइम है इसलिए आपको बता रहा हूँ। दूसरा आपको क्या करना है, आपको हर दिन कम से कम दो टॉपिक करने हैं, ठीक है, आराम से। मतलब आप, मैं बोलूँगा कि यार आप बोलोगे अभी तो बहुत टाइम है, ठीक है, दो घंटे या पढ़ो ना, एक घंटा एक टॉपिक करो, दूसरा घंटा दूसरा टॉपिक करो। क्यों? बिकॉज कैट में आपको अपना वो माइंड फ्रेम चेंज करना होगा। अभी मैं सिर्फ क्वांटिटी कर रहा हूँ, वो शिफ्टिंग अभी से चालू कर दो। एक घंटा क्वांट करो, एक घंटा VRC कर लो, एक घंटा VRC करो, LRDI कर लो, मतलब कोई भी दो तो मिनिमम करो, ठीक है। LRDI कैसे करना है, सॉल्व एज मेनी सेट्स एज पॉसिबल, एज आई सेड, कोचिंग वाले हैं तो उनके सेट्स कैट लेवल के किताब से लेके करो, यूट्यूब चैनल पे समझो, सॉल्व तो खुद से करो भैया, कोई और समझा, बहुत लोग यूट्यूब चैनल देख के सोचते हैं अरे हमने बना दिया, हमने नहीं बनाया, वो बना रहा है। तो जब पता होना चाहिए कि यार मैं क्या करने चैनल जा रहा हूँ, अगर आप फ्री में देख रहे हो, कोचिंग में भी आप जा रहे हो तो ठीक है, पर आपको सॉल्व सेट्स एज मेनी एज पॉसिबल बना रहे हैं। VRC का बता ही दिया आपको क्या करना है, ठीक है, ये आपको करना है। GDPI का भी मैंने बता दिया, आप न्यूज़पेपर करो, इतना से आप स्टार्ट करो काफ़ी है, है ना। आपको मई जून से मॉक्स देना है, कैट एग्जाम के पहले कम से कम 30 मॉक्स फॉर कैट लिखना, ठीक है, और बाद में आपको पता पड़ जाएगा अगर आपका इतना सेल्फ अवेयरनेस हो कि आपका कौन सा एग्जाम निकलेगा। अगर आपको वो कॉलेज जाना है जो आपका निकल भी जाए एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल जैट है, स्नैप है, एनमैट है, तो उनका भी प्रिपरेशन बाद में करना। पर ये कैट का वीडियो है तो अभी इतना ही मैं आपको बताता हूँ। कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स में पूछो। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।